हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ड्रामा थ्रिलर मूवी को, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है यू गेट मी, जिसे डायरेक्ट किया था ब्रेंट बोना कार्सो ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, जो है 4.7 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम अपने मेन कैरेक्टर टायलर को देखते हैं। वो कहता है मेरी लाइफ अच्छी है, और वो एक वेटर का काम करता है। उसका घर समुद्र के पास है और उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम एलिसन होता है। प्यार में और अच्छा होने के लिए वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। वो उसे अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में सपोर्ट करती है। टायलर के घर में उसकी मदर और एक सिस्टर है। उसकी मदर काम करती है और वो अपनी सिस्टर का ख्याल रखता है। इसके बाद टायलर अपने फ्रेंड और एलिसन के साथ एक पार्टी में आता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है, तुम बहुत ही किस्मत वाले हो जो तुम्हें एलिसन जैसी लड़की मिली है, उसे कभी जाने मत देना। फिर उसी पार्टी में एलिसन का पुराना फ्रेंड उसे मिलता है, जिसका नाम चेज होता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है, तुम इतनी शोवर होकर बहुत ही अलग लग रही हो। इसका मतलब होता है वो पहले ऐसे नहीं थी, पहले वो बहुत ही पार्टी किया करती थी। उसे 6 मंथ हुए हैं इस न्यू टाउन में आए हुए। उसका फ्रेंड उसके ओल्ड टाउन से था। एलिसन अपनी पुरानी लाइफ पीछे छोड़कर आई थी, जिसके बारे में बात करना उसे अनकंफर्टेबल लगता है। वो चेज को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। जब टायलर उसे देखता है, तब वो भी उसके पास आ जाता है। वो टायलर से कहती है, प्लीज मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। जब वो ड्रिंक लेने जाता है, तब चेज भी वहां पर होता है। वो उसे कहता है, अगर तुम एलिसन को पहले से जानते हो तब तुम्हें पता चलता, पहले वो बहुत ही वायलेंट थी। एलिसन और चेज पहले एक दूसरे को डेट करते थे। इन सब बातों से टायलर थोड़ा अपसेट हो जाता है। वो बाथरूम के पास आया और वहाँ उसे हॉली मिलती है। वो टायलर से कहती है, मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। टायलर कहता है, मेरा अभी अभी किसी ने इंसल्ट की है। हॉली कहती है, तुम्हारी इंसल्ट कौन करेगा। वो उसके साथ फ्लर्ट करती है। इसके बाद ये दोनों अलग अलग अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं। टायलर पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है। एलिसन उसके पास आती है। वो उससे पूछती है, तुम्हें हुआ क्या। टायलर कहता है, पहले तुम उसको डेट कर रही थी, 6 मंथ हो गए और हम दोनों अभी तक इंटीमेट भी नहीं हुए हैं। इन सब बातों से वो बहुत ही अपसेट था। एलिसन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझता। एलिसन को भी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। टायलर पार्टी से बाहर आता है और वो हॉली से मिलता है। वो उससे कहता है, मेरा भी अभी अभी ब्रेकअप हो गया। हॉली उससे कहती है, क्यों ना हम कहीं और चलते हैं। वो दोनों एक क्लब में जाते हैं, डांस करते हैं। हॉली टायलर को एक ड्रग्स की गोली देती है। इसके बाद वो दोनों हॉली के घर पर आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह को टायलर जगह को देखता है, ये बहुत बड़ा प्लेस था। फिर वो हॉली से पूछता है, हम दोनों कहाँ पर हैं। वो कहती है, इसके ऑनर बाहर गए हुए हैं, तो पूरे समर मैं इसका ख्याल रख रही हूँ। हॉली अपने निकाले हुए फोटोग्राफ देख रही थी। वो बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स निकालती है, जिससे टायलर इम्प्रेस था। ये दोनों पूल के पास बैठते हैं। टायलर को ये जगह पसंद थी। हॉली कहती है, मेरे फादर को भी ये जगह बहुत पसंद आती थी, वो पूरी लाइफ काम करते रहे। इसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। इन दोनों का आज का दिन काफी अच्छा जाता है। अगले दिन टायलर वहाँ से निकल रहा था। वो कहता है, हम दोनों के बीच में जो है वो काफी स्पेशल है। घर पर वो आकर अपना मोबाइल देखता है, तो एलिसन उससे फिर से बात करना चाहती थी। इसके बाद वो एलिसन के घर जाता है। एलिसन कहती है, तुमसे मिलने से पहले मेरी लाइफ अलग थी। पहले मैं बहुत अजीब थी और हमेशा ड्रंक रहती थी। सारी चीजें पीछे छोड़कर मैं इस टाउन में आई हूँ। मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। हमारे बीच में जो भी है ये मुझे स्पेशल लगता है, इसी वजह से मैं वेट कर रही थी। टायलर भी ये बात समझ रहा था। फिर वो आई लव यू कहती है और इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। इसके बाद समर वैकेशन खत्म हो जाते हैं और टायलर अपने स्कूल आता है। फिर उसी की क्लास में हॉली फिर से मिलती है। टायलर उसे देखकर सरप्राइज था। हॉली उससे कहती है, मेरी मदर कहती है हम इसी टाउन में रहेंगे। हॉली ने टायलर और एलिसन को एक साथ देखा था, इसलिए वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। टायलर उसे कहता है, हमारे बीच में जो भी हुआ प्लीज उसे किसी को मत बताना। हॉली भी ये बात समझ रही थी। इसके बाद लंच ब्रेक हुआ, तब एलिसन और हॉली एक साथ आते हैं। हॉली भी इनके ग्रुप का पार्ट बन चुकी थी। इसके बाद हॉली उन सबको पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन टायलर मना करता है। उसके लिए बहुत ही अजीब था। फिर हम देखते हैं हॉली टायलर को एक अकेली जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे किस करने लगती है। टायलर मना करता है। वो कहता है, हमारे बीच में जो भी समर वैकेशन में हुआ वो एक मिस्टेक थी। एलिसन और मेरा अगर ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो ये कभी नहीं करता। हॉली इस बात पर बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। वो कहती है, तुमने मेरा यूज किया है, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा।
अगले दिन एलिसन, हॉली और उनकी फ्रेंड लेडिया ये सब बात कर रहे थे। लेडिया हॉली से कहती है, मैंने तुम्हारा नाम चेक किया, तुम्हारा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। हॉली कहती है, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। लेडिया को ये बात बहुत ही अजीब लगी। इसके बाद ये हैंग आउट करने के लिए एक कैफे पर आते हैं। यहाँ पर हॉली अपनी फोटो सबको दिखा रही थी। इसमें एक फोटो टाइलर का भी था, लेकिन इसमें उसका फेस नहीं दिख रहा था। टाइलर ये देखकर थोड़ा डर जाता है। इसके बाद सब मिलकर बीच पर आते हैं। एलिसन पूछती है, उस फोटो में वो लड़का कौन है? हॉली कहती है, जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा तब मुझे लगा था हम दोनों एक कनेक्शन है। उस रात जो भी हुआ ये सारी चीजें वो एलिसन को बताती है। इसके बाद वो टाइलर को जेलस फील कराने के लिए उसके फ्रेंड गिल को वो किस करने लगती है। एलिसन और हॉली अच्छी फ्रेंड बनने लग गई थी। ये टाइलर को अच्छा नहीं लगता। उस रात भी वो दोनों एक साथ हैंग आउट कर रहे थे। इन दोनों की कॉन्वर्सेशन से हॉली को पता चलता है टाइलर और एलिसन अभी तक इंटीमेट नहीं हुए हैं। हॉली एलिसन से कहती है, तुमने सही किया है, बहुत सारे लड़के सेक्स होने के बाद इग्नोर करने लगते हैं। हॉली अपना पूरा एफर्ट लगाकर उन दोनों को अलग करना चाहती थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं टाइलर अपने फ्रेंड गिल को होली के बारे में बताता है। टाइलर कहता है, वो मुझे जेलस फील कराने के लिए तुम्हारा यूज कर रही है। गिल को ये सही नहीं लगता, वो गुस्सा हो जाता है। गिल को लगता है हॉली उसको लाइक करती है। अगले दिन हॉली टाइलर के घर पर पहुंच जाती है। टाइलर उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना था। टाइलर मना करता है। वो कहती है, मैंने एलिसन को सब कुछ बता दिया है। टाइलर बहुत डर जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। हॉली कहती है, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, वो सिर्फ टाइलर को डिस्टर्ब कर रही थी। अगले दिन टाइलर हॉली की मदर को देखता है। वो स्कूल में विजिट करने के लिए आई हुई थी। वो जाकर उनसे बात करता है। तभी हॉली की मदर से उसे पता चलता है हॉली ने उसे जो कुछ भी बताया था वो सब झूठ है। हॉली की मदर टाइलर से कहती है, हम दोनों मिले थे, ये बात तुम उसे मत बताना। वो हॉली की स्टेप मदर थी। हॉली टाइलर उस दिन जिस घर में थे वो घर हॉली का ही था। एलिसन और हॉली हैंग आउट कर रहे थे, तब एलिसन को लगा हॉली कुछ अजीब है। इसके बारे में उसने लेडिया से बात की। लेडिया ने भी कहा, मैंने भी उसे सर्च करने की कोशिश की लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इन दोनों की सारी बातें हॉली सुन लेती है। हॉली के लिए परेशानी बढ़ सकती थी। इसके बाद जब ये दोनों कैंटीन में होते हैं तब हॉली उन दोनों के लिए मिल्क शेक लेकर आती है। मिल्क शेक पीते पीते लेडिया को एलर्जी हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। इसके बाद टाइलर एलिसन से मिलता है। वो इस सब इंसिडेंट के बाद काफी ज्यादा डर गई थी। वो एलिसन को गले लगा लेती है और कहती है, तुम मेरे साथ हो, मैं बहुत ही लकी हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम हॉली को उसकी स्टेप मदर से बात करते हुए देखते हैं। वो अपनी स्टेप मदर पर काफी गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसे अपने फादर के सारे पैसे मिल नहीं पाए थे। स्टेप मदर कहती है, तुम्हें सारे पैसे मिलेंगे लेकिन तुम्हें थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा। हॉली को मेंटल प्रॉब्लम्स थे, उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना अच्छा नहीं लगता था। वो कहती है, वहां जाने से तो अच्छा है, मैं अपने आप को मार डालूंगी। उसकी स्टेप मदर भी उसे काफी डरती है क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। आजकल हॉली और एलिसन हमेशा एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, इससे टाइलर को बुरा लगता था। एक दिन वो एलिसन के साथ पूरा दिन स्पेंड करना चाहता था। एलिसन कहती है, अभी अभी हॉली को पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे मेरे सहारे की जरूरत है। टाइलर इस बात से और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हॉली और एलिसन एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी हॉली एलिसन से पूछती है, अगर तुम्हारा और टाइलर का बेबी होता तो तुम क्या करती? वैसे भी तुम एक परफेक्ट कपल हो, तुम्हारा कभी भी ब्रेकअप नहीं होगा। अगले सीन में हम हॉली को टाइलर के घर पर देखते हैं। वो उसकी सिस्टर से बात करने लगती है। टाइलर ये देखता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे घर से बाहर निकाल देता है। वो कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। हॉली कहती है, तुम मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे बच्चे की मदर हूँ। टाइलर कहता है, क्या तुम मेरी हालत देख सकती हो? मैं इस बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकता। हॉली कहती है, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइलर कहता है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक मिस्टेक थी। वो टाइलर को जाने से रोकने लगती है। टाइलर अपना हाथ खींचता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो रात में एलिसन के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है, जो भी उसके और टाइलर के बीच में हुआ था। इसके बाद टाइलर लेडिया के पास हॉस्पिटल में आता है। वो उससे पूछता है, एक्चुअल में हुआ क्या था? लेडिया कहती है, मैं हमेशा कैंटीन से मिल्क शेक लेती हूँ, लेकिन इस बार हॉली मिल्क शेक लेने गई थी और उसे पीने के बाद मैं हॉस्पिटल पहुँच गई। मुझे लगता है हॉली ने ही उस मिल्क शेक में कुछ मिला दिया था। टाइलर भी लेडिया को सारा सच बता देता
लेता है और वो कहता है मैं एलिसन को भी सारी सच्चाई बता दूंगा। अगले दिन वो एलिसन को मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन एलिसन को सारा सच पहले से ही पता था। वो उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है हमने प्रॉमिस किया था एक दूसरे के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं होंगे। वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रात में टाइलर को हॉली का मैसेज आता है। वो कहती है कि अब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और अब हम एक साथ रह सकते हैं, अब कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। टाइलर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अगले दिन स्कूल में टाइलर के पास पुलिस आती है। वो कहती है वेरोनिका ने तुम पर चार्जेस लगाए हैं। टाइलर कहता है वेरोनिका कौन है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। टाइलर के ऊपर वेरोनिका को हर्ट करने के चार्जेस थे, ये ज़्यादा सीरियस नहीं थे। इसके बाद रात में वो अपने लैपटॉप पर चेक करता है तो उसे पता चलता है वेरोनिका और कोई नहीं बल्कि हॉली होती है। वो उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकालता है। तब उसे पता चलता है इससे पहले वो जिस स्कूल में थी वहाँ पर भी उसने एक स्टूडेंट को असॉल्ट किया था। वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब है। इसके बाद हम देखते हैं रात में हॉली एलिसन के घर पहुँच जाती है। वो उसे हट करती है और उसके हाथ पैर बांध देती है और उसकी फोटो खींचकर टाइलर को भेज देती है। टाइलर बहुत डर जाता है। वो अपने फ्रेंड को हेल्प के लिए कॉल लगाता है। वो जल्दी से एलिसन के घर पर जाने लगता है। एलिसन हॉली से कहती है तुम ये सब क्यों कर रही हो। हॉली कहती है जिस तरीके से टाइलर ने मेरा यूज किया था उसी तरीके से मैं उसे पाने के लिए तुम्हारा यूज कर रही हूँ। तुम बहुत स्टूपिड हो, मेरे बच्चे की झूठी कहानी तुमने मान ली थी, वो प्रेग्नेंट भी नहीं थी। हॉली एलिसन को अपने घर पर लेकर आई थी। थोड़ी देर बाद उसकी स्टेप मदर भी वहाँ पहुँच जाती है। वो एलिसन को देखती है, तभी हॉली पीछे से आकर उसे मार देती है। कुछ टाइम बाद टाइलर भी वहाँ पहुँच जाता है। वो हॉली से पूछता है एलिसन कहाँ है, तब वो कहती है हमारा वीकेंड कितना अच्छा बीता था, हम दोनों एक साथ हैं, अब मुझे किसी भी तरह की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उसे एलिसन के बारे में नहीं बता रही थी। तभी अचानक टाइलर के ऊपर एलिसन का खून गिरता है। हॉली ने उसे ऊपर बांध रखा था। टाइलर जल्दी से एलिसन को ऊपर से निकाल लेता है। एलिसन बेहोश थी लेकिन वो अभी जिंदा थी। हॉली ने अपने पूरे घर को लॉक कर दिया था। ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें हॉली की स्टेप मदर की बॉडी मिलती है। टाइलर को बेडरूम के दरवाजे के बारे में पता था, वो वहाँ से बाहर निकलता है। लेकिन अब हॉली के पास गन होती है। हॉली कहती है मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया एलिसन अगर मर जाती है तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। टाइलर उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो एलिसन को मारने ही वाली थी। तभी टाइलर उसकी गन के सामने आ जाता है और उसके कंधे पर गोली लग जाती है। एलिसन एक रॉड उठाकर हॉली के पेट के अंदर डाल देती है। फिर वहां पर टाइलर का फ्रेंड भी पहुंच जाता है और वो दोनों मिलकर टाइलर को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टाइलर अब ठीक हो चुका था और इनकी लाइफ में ये सब होने के बाद उन दोनों को रियलाइज हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं हॉली को भी उस रात हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उससे एक ऑफिसर कहता है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम फिकर मत करो। हॉली उसे देखकर भी ऑब्सेस्ड हो गई थी, अब वो उसे लाइक करने लगी थी। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।